हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. वेरी गुड. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट थीम ऑफ योर इंग्लिश वॉल्यूम वन. आपकी क्लास वन की जो इंग्लिश वॉल्यूम वन है उसका फर्स्ट चैप्टर, और उस फर्स्ट चैप्टर है ये जो कि फर्स्ट थीम है उसका. सो योर थीम नेम इज़ प्ले टाइम एंड योर चैप्टर नेम इज़ बिनी द बनीज बर्थडे. दिस इज़ एक्चुअली अ पोएम. ये जो चैप्टर है ये एक पोएम है. Do you like poems? That's great. अगर आप लोगों को poem अच्छी लगती हैं तो आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में. So पहले हम poem को sing कर लेते हैं, गा लेते हैं, read कर लेते हैं. Okay? Let's start. Sunday morning was too sunny and hot, said Binny the Bunny. It was a special day today. It was Binny's birthday. All his friends did he call for dinner and to play ball. He puts up a party banner and prepared a great dinner. Worked so hard, he seems to get thinner. As friends came to ready for the dinner, when everyone was ready, Binny chewed the ball, then fell asleep in the मिडल ऑफ द हॉल. आई नो आप मुझसे ज़्यादा बेटर सिंग कर सकते हैं इस पोएम को. ठीक है, एक बारी मैं आपको, आप लोग भी ऐसे ही रीड करेंगे एंड आप लोगों को भी रीड करने की प्रैक्टिस करनी है विद द फोनिक्स. एंड एक बार मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. इन दिस पोएम देयर वॉज अ बनी जिसका बर्थडे है और उसका नेम है बिनी. ओके, वो कह रहा है आज संडे मॉर्निंग था, बहुत ही सनी डे था. सनी डे मीन्स बहुत ही चमकदार धूप निकली हुई थी. लाइक दिस, दिस इज़ अ सनी डे. और आज सनी डे था तो बिनी कह रहा है कि आज बहुत गर्म दिन भी था. एंड हॉट सेड बिनी द बनी, उसने कहा गर्म भी था दिन बहुत. इट वॉज़ अ स्पेशल डे टुडे, आज एक खास दिन था. क्या था? यस, बिनी का बर्थडे था. ऑल हिज फ्रेंड डिड ही कॉल, उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया फॉर डिनर एंड टू प्ले बॉल. उसने अपनी सभी दोस्तों को किस लिए बुलाया? डिनर के लिए और बॉल से प्ले करने के लिए. डिनर मीन्स रात का खाना, जो आप रात को खाते हो उसे कहते हैं डिनर. ही पुट्स अप अ पार्टी बैनर. पार्टी बैनर मीन्स बर्थडे है तो बर्थडे के लिए उसने बड़ा सा बैनर लगाया. लाइक दिस, हैप्पी बर्थडे बैनर है, ऐसा उसने बैनर लगाया अपने पार्टी के लिए. एंड प्रिपेयर अ ग्रेट डिनर, और उसने बहुत अच्छा सा डिनर भी बनाया. वर्क सो हार्ड, उसने इतनी मेहनत करी दिन भर, इतनी मेहनत करी. ही सीम्स टू गेट थिनर, उसको ऐसा लगा. थिनर मीन्स पतला होता है ना, तो उसको ऐसा लगा. यहाँ पे थिनर का मीन्स है कि वो कमज़ोर फील कर रहा था. वो ऐसा हो गया तो उसने इतनी मेहनत करी कि वो आज कमज़ोर हो गया था. As friends came to ready for the dinner, जैसे कि उसके दोस्त आने वाले थे डिनर के लिए, खाना खाने के लिए आने वाले थे उसके पास, और सब लोग रेडी थे. When everyone was ready उसकी पार्टी में आने के लिए, बिनी थ्रू द बॉल, बिनी ने बॉल थ्रो किया एंड वो सो गया. देन फेल स्लीप इन द मिडल ऑफ द हॉल, और उसने बॉल को थ्रो करके मिडल ऑफ द हॉल, जहाँ भी उसकी पार्टी थी उस हॉल में बीचों बीच वो सो गया. क्यों? क्योंकि उसने दिन भर बहुत मेहनत करी थी और वो थक गया था, है ना. सो दिस इज़ योर टुडेज वर्क. आपको ये रीड करना है और रीड करके मैम को रिकॉर्डिंग भेजनी है, और इसके बाद एक बुक एक्सरसाइज है उसे भी देख लेते हैं. ओके, एक चीज़ और करनी है. आपने ये रीड करी पोएम, इस पोएम में ऐसी कौन सा साउंड था जो बार बार रिपीट हो रही थी? सनी, बनी, बिनी, डिनर, बैनर, डिनर, थिनर, न. न साउंड बार बार कम रिपीट हो रही है इसमें ना. सो यहाँ पे हमने कुछ डबल एंड साउंड वर्ड्स की एक एक्सरसाइज दे रखी है बुक में, वो आपको करनी है. जैसे मैम ने इसमें फिल किया हुआ है, व्हाट इज़ दिस? बनी. तो इस स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है. सनी,
बैनर ग्रैनी कैनल टनल ओके सो डू दिस पेज एंड रीड दिस पेज दिस इज योर टुडेज वर्क बाय बाय